Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. देवी और सज्जनों, असमिया भाषा में नॉर्थ ईस्ट की सशक्त आवाज दैनिक अग्रदूत से जुड़े सभी साथियों, पत्रकारों, कर्मचारियों और पाठकों को 50 वर्ष 5 दशक की इस स्वर्णिम यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में अग्रदूत नई ऊंचाइयों को छुए, भाई प्रांजल और युवा टीम को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस समारोह के लिए श्रीमंत शंकर देव का कला क्षेत्र का चुनाव भी अपने आप में अद्भुत संयोग है। श्रीमंत शंकर देव जी ने असमिया काव्य और रचनाओं के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया था। उन्हीं मूल्यों को दैनिक अग्रदूत ने भी अपनी पत्रकारिता से समृद्ध किया है। देश में सद्भाव की, एकता की, अलग को झलाए रखने में आपके अखबार ने पत्रकारिता के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाई है। डेका जी के मार्गदर्शन में दैनिक अग्रदूत ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। इमरजेंसी के दौरान भी जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ तब भी दैनिक अग्रदूत और डेका जी ने पत्रकारीय मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ असम में भारतीयता से ओतप्रोत पत्रकारिता को सशक्त किया, बल्कि मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए एक नई पीढ़ी भी तैयार की। आजादी के 75वें वर्ष में दैनिक अग्रदूत का स्वर्ण जयंती समारोह सिर्फ एक पड़ाव पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये आजादी के अमृत काल में पत्रकारिता के लिए, राष्ट्रीय कर्तव्यों के लिए प्रेरणा भी है। साथियों, बीते कुछ दिनों से असम बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है। असम के अनेक जिलों में सामान्य जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। हेमंता जी और उनकी पूरी टीम राहत और बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा भी समय समय पर इसको लेकर वहां अनेक लोगों से बातचीत होती रहती है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है। मैं आज असम के लोगों को, अग्रदूत के पाठकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी मुश्किलें कम करने में जुटी हुई है। साथियों, भारत की परंपरा, संस्कृति, आजादी की लड़ाई और विकास यात्रा में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की भूमिका अग्रणी रही है। असम तो पत्रकारिता के मामले में बहुत जागरूक क्षेत्र रहा है। आज से करीब 150 वर्ष पहले ही असमिया में पत्रकारिता शुरू हो चुकी थी और जो समय के साथ समृद्ध होती रही। असम ने ऐसे अनेक पत्रकार,
ऐसे अनेक संपादक देश को दिए हैं जिन्होंने भाषाई पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं। आज भी ये पत्रकारिता सामान्य जन को सरकार और सरोकार में से जोड़ने में बहुत बड़ी सेवा कर रही है। साथियों, दैनिक अग्रदूत के पिछले 50 वर्षों की यात्रा असम में हुए बदलाव की कहानी सुनाती है। जन आंदोलनों ने इस बदलाव को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। जन आंदोलनों ने असम की सांस्कृतिक विरासत और असमिया गौरव की रक्षा की और अब जन भागीदारी की बदौलत असम विकास की नई गाथा लिख रहा है। साथियों, भारत के समाज में डेमोक्रेसी इसलिए निहित है क्योंकि इसमें विमर्श से, विचार से हर मतभेद को दूर करने का रास्ता है। जब संवाद होता है तब समाधान निकलता है। संवाद से ही संभावनाओं का विस्तार होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ज्ञान के प्रवाह के साथ ही सूचना का प्रवाह भी अविरल बहा और निरंतर बह रहा है। अग्रदूत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। साथियों, आज की दुनिया में हम कहीं भी रहें, हमारी मातृभाषा में निकलने वाला अखबार हमें घर से जुड़े होने का एहसास कराता है। आप भी जानते हैं कि असमिया भाषा में छपने वाला दैनिक अग्रदूत सप्ताह में 2 बार छपता था। वहां से शुरू हुआ इसका सफर, पहले दैनिक अखबार बनने तक पहुंचा और अब ये ई पेपर के रूप में ऑनलाइन भी मौजूद है। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भी आप असम की खबरों से जुड़े रह सकते हैं, असम से जुड़े रह सकते हैं। इस अखबार की विकास यात्रा में हमारे देश के बदलाव और डिजिटल विकास की झलक दिखती है। डिजिटल इंडिया आज लोकल कनेक्ट का मजबूत माध्यम बन चुका है। आज जो व्यक्ति ऑनलाइन अखबार पढ़ता है वो ऑनलाइन पेमेंट भी करना जानता है। दैनिक अग्रदूत और हमारी मीडिया असम और देश के इस बदलाव का साक्षी रहा है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष जब हम पूरा कर रहे हैं तब एक प्रश्न हमें जरूर पूछना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्पेस, किसी विशेष भाषा को जानने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ इमोशन का नहीं है बल्कि साइंटिफिक लॉजिक का भी है। आप जरा सोचिए, बीती 3 औद्योगिक क्रांतियों में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे क्यों रहा, जबकि भारत के पास नॉलेज की, जानने समझने की, नया सोचने नया करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी ये संपदा भारतीय भाषाओं में थी। गुलामी के लंबे कालखंड में भारतीय भाषाओं के विस्तार को रोका गया और आधुनिक ज्ञान विज्ञान रिसर्च को
इक्का दुक्का भाषाओं तक सीमित कर दिया गया। भारत के बहुत बड़े वर्ग की उन भाषाओं तक, उस ज्ञान तक एक्सेस ही नहीं था, यानी इंटेलेक्ट का, एक्सपर्टाइज का दायरा निरंतर सिकुड़ता गया। जिसने इन्वेंशन और इनोवेशन का पूल भी लिमिटेड हो गया। 21वीं सदी में जब दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है, तब भारत के पास दुनिया को लीड करने का बहुत बड़ा अवसर है। ये अवसर हमारी डेटा पावर के कारण है, डिजिटल इंक्लूजन के कारण है। कोई भी भारतीय बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से सिर्फ भाषा के कारण वंचित ना रहे, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया। मातृभाषा में पढ़ाई करने वाले छात्र कल चाहे जिस प्रोफेशन में जाएं, उन्हें अपने क्षेत्र की जरूरतों और अपने लोगों की आकांक्षाओं की समझ रहेगी। इसके साथ ही अब हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में दुनिया का बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। प्रयास ये है कि इंटरनेट, जो कि नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार है, उसे हर भारतीय अपनी भाषा में प्रयोग कर सके। दो दिन पहले ही इसके लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये भारतीय भाषाओं का यूनिफाइड लैंग्वेज इंटरफेस है। हर भारतीय को इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट करने का प्रयास है, ताकि वो जानकारी के, ज्ञान के इस आधुनिक स्रोत से, सरकार से, सरकारी सुविधाओं से आसानी से अपनी भाषा से जुड़ सके, संवाद कर सके। इंटरनेट को करोड़ों करोड़ भारतीयों को अपनी भाषा में उपलब्ध कराना सामाजिक और आर्थिक हर पहलू से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये, एक भारत श्रेष्ठ भारत मजबूत करने, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ने, घूमने फिरने और कल्चर को समझने में ये बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, असम सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट तो टूरिस्ट, कल्चर और बायोडायवर्सिटी के लिए लिहाज से बहुत समृद्ध है। फिर भी अभी तक ये पूरा क्षेत्र उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। असम के पास भाषा, गीत, संगीत के रूप में जो समृद्ध विरासत है, उसे देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आधुनिक कनेक्टिविटी के हिसाब से जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास चल रहा है। इससे असम की, नॉर्थ ईस्ट की, भारत की ग्रोथ में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अब भाषाओं के लिहाज से भी ये क्षेत्र डिजिटली कनेक्ट होगा तो असम की संस्कृति, जनजातीय परंपरा और टूरिज्म को बहुत लाभ होगा। साथियों, इसलिए मेरा अग्रदूत जैसे देश के हर भाषाई पत्रकारिता करने वाले संस्थानों से विशेष निवेदन रहेगा कि डिजिटल इंडिया के ऐसे हर प्रयास से अपने पाठकों को जागरूक करें। भारत के
टेक फ्यूचर को समृद्ध और सशक्त कराने के लिए सबका प्रयास चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान में हमारे मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई है उसकी पूरे देश और दुनिया में आज भी सराहना होती है। इसी तरह अमृत महोत्सव में देश के संकल्पों में भी आप भागीदार बनके इसको एक दिशा दीजिए, नई ऊर्जा दीजिए। असम में जल संरक्षण और उसके महत्व से आप भली भांति परिचित हैं। इसी दिशा में देश इस समय अमृत सरोवर अभियान को आगे बढ़ा रहा है। देश हर जिले में 75 अमृत सरोवरों के लिए काम कर रहा है। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि अग्रदूत के माध्यम से असम का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इससे जुड़ा नहीं होगा। सबका प्रयास नई गति दे सकता है। इसी तरह आजादी की लड़ाई में असम के स्थानीय लोगों का, हमारे आदिवासी समाज का इतना बड़ा योगदान रहा है। एक मीडिया संस्थान के रूप में इस गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मुझे यकीन है अग्रदूत समाज के इन सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देने का अपना कर्तव्य जो पिछले 50 साल से निभा रहा है आने वाले भी अनेक दशकों तक निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। असम के लोगों और असम की संस्कृति के विकास में वो लीडर के तौर पर काम करता रहेगा। वेल इन्फॉर्म बेटर इन्फॉर्म सोसाइटी ही हम सभी का देह हो। हम सभी मिलकर इसके लिए काम करें। इसी सदिच्छा के साथ एक बार फिर आपको स्वर्णिम सफर की बधाई और बेहतर भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं।